कोरोना महामारी के चलते जहां लोगों को 2 जून की रोटी का इंतजाम भी करना भारी पड़ रहा है, ऐसे में कई राशन डीलर्स गरीबों के हक का निवाला भी छीनने में संकोच नहीं कर रहे। ऐसा एक मामला भीलवाड़ा की पुरानी धान मंडी से सामने आया। दरअसल रसद विभाग की एक टीम एक राशन डीलर के यहां जांच करने पहुंची। अधिकारियों ने जब यहां पर दाल की दूसरी तराजों पर तुलवाई करवाई तो सामने आया कि राशन डीलर 2 किलो दाल के नाम पर 1.5 किलो दाल ही दे रहा था। घपला सामने आने के बाद विभाग की टीम ने दुकान को सीज कर दिया है। मामला ये है कि ये शिव नारायण गटियानी यहाँ धान मंडी में डीलर है, इसके खिलाफ ये शिकायत प्राप्त हुई कि ये कम तोल रहा है। मौके पे आके देखने पे ये पता पड़ा कि वास्तव में ये कम तोल रहा है। 100 ग्राम 150 ग्राम की कमी है दाल में और गेहूं में भी कमी है। तो जो जिन उपभोक्ताओं को इसने दाल और गेहूं दे दिया था उसकी तो वापस हमने तोलवा के भरपाई करवा दी। अब इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दूसरे से बंटवाएंगे।